हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन। एज वी नो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब ये डिस्कस करते हैं कि लाइट बेंड टूवर्ड्स कब होती है और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब मूव करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द मीडियम वन एयर एंड वी कॉल्ड एयर एज अ रेरर मीडियम। रेरर मीडियम मीन्स ऑप्टिकली रेरर मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। एंड दिस इज द सेकेंड मीडियम, दिस इज ग्लास, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मीन्स इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो आप देख सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है उस कंडीशन में द लाइट स्लो डाउन एंड बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर आफ्टर गोइंग इन टू डेंसर मीडियम द रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। Why? Because the speed of light slow. When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up. यदि light denser medium से rarer medium में travel करती है, it means glass to air. What is this? Air. इस condition में speed of light speed up. Speed increase हो जाएगी. And bends away from the normal. This is known as bending of light. When a ray of light travels from rarer to denser medium, it bends toward the normal. When a ray of light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Now see law of refraction. Incident ray, refracted ray, and the normal all lie in the same plane. आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है वहां पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है और उसी नॉर्मल से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करते हैं। तो ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ सी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यदि आपने देखा हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन लाइट of color for a given pair of media just like a air and glass is constant. So this is the second law of refraction. If I angle of incidence and R angle of refraction, then ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction sine I upon sine R equal to constant, and this law is also called Snell's law, and this constant sin I upon sin R equal to constant is known as
refractive index. Refractive index, which is denoted by N. So we can say N equal to sin I upon sin R. So this is the first formula for refractive index in the case of angle of incidence and angle of refraction. Refractive index को हम speed of light के terms में represent करते हैं. तो आइए देखते हैं हम उसको कैसे measure कर सकते हैं. Suppose this is the incident light and we consider speed of light in air v1, right? तो आप देखिए speed of light in air, speed of light in air at every point same. At every point पर speed of light same रहेगी. After traveling into the denser medium, we consider the speed of light v2. कितने हो गई? v2. और जो speed of light है अब वो एक medium में same रहती है. It means v2 यहां पर every point पर same रहेगी. Rarer medium में speed of light is more and in the denser medium speed of light is less. तो refractive index ये measure करता है कि कितनी velocity of light decrease होती है, कितने amount से velocity of light decrease होगी, कितने amount से speed of light decrease होगी when a ray of light traveling from rarer to denser medium. उसका पता कैसे चलेगा? उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, speed of light in medium 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन हम उसको डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, राइट? हम वी वन को वी टू से डिवाइड कर देंगे. आप यहां पे देखिए कि यदि मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट ट्रेवल करती है उस कंडीशन में लाइट को बैंड करने का काम कौन करता है? लाइट को बैंड करने का काम मीडियम टू करता है. और लाइट कहां से आती है? वन से आती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट को बैंड करेगा हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. तो यहां पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. और इसको लिखने के बहुत सारे मेथड हैं. आप देखिए एन टू refractive index of medium 2 with respect to medium 1 or refractive index of medium 2 with respect to medium 1 or refractive index of medium 2 with respect to medium 1 equal to speed of light in medium 1, speed of light in medium 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. सपोज अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम वन. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज द मीडियम टू, दिस इज द मीडियम वन. लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम वन. इस कंडीशन में लाइट को बैंड करने का काम कौन करेगा? बैंड करने का काम वन करेगा. तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू. जो लाइट को बैंड करेगा हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और जहां से लाइट ट्रेवल करती है उसके रेस्पेक्ट में लेना है. तो हम ये कह सकते हैं एन वन टू और एन वन टू और एन वन टू. ये थ्री टाइप से लिखने के. इक्वल टू यहां पर कितना था बेटा? वी वन अपॉन वी टू, वी वन अपॉन वी टू. तो यहां पर कितना हो जाएगा? वी टू अपॉन वी वन. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू इन द केस ऑफ इन द टर्म्स ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट. सपोज वी कंसिडर द मीडियम वन एज वैक्यूम. वी कंसिडर मीडियम वन एज अ वैक्यूम, द लाइट कमिंग फ्रॉम अ वैक्यूम, राइट. सो इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू V1 की जगह हम पुट अप करेंगे C अपॉन, और हम कंसिडर करते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू V2 इक्वल टू V. सो वी कैन राइट V C अपॉन V. When a ray of light travel from a vacuum and going into a denser medium, in this case the refractive index is known as absolute refractive index. Absolute refractive index. So N equal to C upon V. क्लियर. यदि लाइट वैक्यूम से आती है तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हम उसको सिंपली एन से डिनोट कर सकते हैं. दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सपोज हम मीडियम टू को ग्लास कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में हम यहां पर इसको एनजी भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं बेटा? एनजी और NGA सी अपॉन वी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है हम उसी स्पीड ऑफ लाइट को एयर में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में लेस होती है कंपेरिजन टू वैक्यूम, लेकिन फिर भी हम उसको वैक्यूम के इक्वली कंसिडर कर सकते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम उसको सिंपली एनजीबी लिख सकते हैं. यदि दूसरा मीडियम वॉटर है तो हम सिंपली एनडब्ल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू सी अपॉन VW वेलोसिटी इन वॉटर, और हम इसको ANW भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रेस्पेक्ट टू एयर. एज वी नो N इक्वल टू सी अपॉन V, सो V इक्वल टू सी अपॉन N, राइट. तो यहां से अगर हम वन मीडियम और टू मीडियम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इक्वल टू हाउ मच? सी अपॉन एन वन. एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू V2 इक्वल टू सी अपॉन एन टू. ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. तो आप यहां पे आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट अप कीजिए सी अपॉन एन वन, V2 की वैल्यू पुट अप कीजिए सी अपॉन एन टू, राइट. तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू N2 अपॉन N1. कहने का मीनिंग यह है कि यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन कैलकुलेट करना चाहते हैं उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू ऊपर की साइड आएगा और जहां से लाइट आती है वो नीचे की साइड आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, राइट. और इक्वल टू किसको हो जाएगा? V1 अपॉन V2 के, राइट. और इक्वल टू किसको जाएगा? साइन I अपॉन साइन R के, राइट. यहां पर आपको स्नेल स्लो में प्रॉब्लम आ सकती है कि यहां पे साइन I अपॉन साइन R जो हम लिखेंगे उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो इसका भी बहुत आसान तरीका है. आप देखिए मीडियम वन से लाइट आती है तो N1 जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम यहां पे कंसिडर करेंगे साइन आई, राइट, इक्वल टू सेकंड मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और यहां पर कितना एंगल है? R, तो साइन R. तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस मीडियम से लाइट आएगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी का एंगल मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल टू N2 साइन R. अभी आप यहां से देख सकते हो N2 अपॉन N1 कितना आएगा, N2 अपॉन N1 कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर.
एंटोपन एन1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज थर्ड फॉर्मूला एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देर आर मेनी फॉर्मूलाज विच वी यूज टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एज वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, सो एन टू वन इक्वल टू एंटोपन एन वन। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू एन वन टू एन वन अपॉन एन टू अपोजिट हो जाएगा। यदि हम इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज फर्स्ट दैट इज सेकेंड, यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें सो वन एंड टू मल्टीप्लाई टू एन वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन मल्टीप्लाई एन वन अपॉन एन टू। क्लियर? सो एन वन टू एन वन कैंसिल, एन टू टू एन टू कैंसिल, सो एन टू वन मल्टीप्लाई एन वन टू इक्वल टू वन, सो वन एंड टू इक्वल टू वन अपॉन टू एन वन। इट मीन्स यदि आपको वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो आप दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5। सपोज हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास हाउ मच, तो ये कितना होगा ये हमको बताना है। तो आप आइए देखते हैं ए एन जी इक्वल टू वन अपॉन जी एन ए, ये हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हमको जी एन ए कैलकुलेट करना है तो जी एन ए इक्वल टू वन अपॉन ए एन जी इक्वल टू वन अपॉन व्हाट इज द वैल्यू 1.5। सो जी एन ए इक्वल टू हाउ मच 10/15, ये ऊपर की साइड जाएगा तो कितना जाएगा 2/3। यदि आपको वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो आप दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा उस वैल्यू को वन से डिवाइड करना होगा, यू विल गेट आंसर। तो आइए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, लेकिन उनसे पहले आप कुछ फॉर्मूले देखिए जो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर वी ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, बिकॉज व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन द स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज डिक्रीजेस, सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन वन। सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू। एज वी नो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज बट वेवलेंथ चेंज, सो वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां पर हम क्या करते हैं सी की जगह पुट अप करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम, सो लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज बट फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, दिस इज द स्नेल्स लॉ, सो एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दीज आर सम फॉर्मुलाज विच वी यूज टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो आइए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड गिवन इट, हमको सी गिवन है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वॉटर,
हमें वेलोसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट मीन्स एन डब्ल्यू आपको गिवन है 2। तो आप इन सब फॉर्मूला में देख सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्मूला एन डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन एन डब्ल्यू, सी 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 2। सो वी डब्ल्यू इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वॉटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड ग्लास आर रेस्पेक्टिवली 8/3 एंड 3/2 गिवन इट। इट मीन्स आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है 8/3, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ग्लास टू डायमंड, इट मीन्स लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास टू डायमंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, राइट, एक हमें ये कैलकुलेट करना है, सेकेंड कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, विद रेस्पेक्ट टू डायमंड एक हमको ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं, यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये वाला हम सेकेंड वाला इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 1N2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ND अपॉन NG, राइट, ND हाउ मच 8/3, NG हाउ मच 3/2, तो 2 जाएगा ऊपर की साइड, तो कितना हो जाएगा 16/9, क्लियर। और यदि हम इसका अपोजिट कर दें तो इसमें हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 गिवन है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमको यहां पर ये गिवन है, तो इसको सिंपल हम डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है, तो हो जाएगा 1/16/9, तो ये आ जाएगा बेटा NGD इक्वल टू 9/16। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज किया है और साथ में थर्ड फॉर्मूला हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B। तो आप देख सकते हैं मीडियम A से मीडियम B में लाइट ट्रेवल कर रही है, हमको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। वी वांट टू कैलकुलेट NB अपॉन NA। यहां पर आप देखिए, ना ही हमको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ना ही हमको ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमको यहां पर केवल एंगल्स गिवन है। तो हमें यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना होगा। एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्नेल्स लॉ, दिस इज द मीडियम 1 NA एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस टेकन फ्रॉम द नॉर्मल, साइन 60 इक्वल टू, दिस इज द मीडियम B, सो वी राइट NB एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन 45। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट NB अपॉन NA। यहां पर आपको 30 नहीं लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से कंसिडर किए जाते हैं। तो NB अपॉन NA हाउ मच, साइन 60 अपॉन साइन 45, राइट। सो व्हाट इज साइन 60, √3/2, एंड व्हाट इज साइन 45, 1/√2। √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा √2। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम A, जिसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B एज शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A विल बी। इसमें हमें यह बताना है कि यदि कोई लाइट मीडियम A से मीडियम B में ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B लार्जर होगा
यूनिटी से या लेस देन यूनिटी होगा या फिर इक्वल टू यूनिटी होगा। तो आप देखिए यहां पर अगर हम एंगल देखें, यदि हम यहां पर एंगल कंसिडर करें तो एंगल लार्जर है। यदि हम नॉर्मल से एंगल कंसिडर करें आई और दिस इज आर, तो आप देख सकते हैं आई ग्रेटर देन आर है। इट मीन्स मीडियम ए कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। मीडियम बी डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। यदि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लार्जर होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है। यदि हम बात करें वॉटर, कैरोसिन, ग्लिसरीन, तो वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, कैरोसिन का 1.44, ग्लिसरीन का 1.47। और यदि हम बात करें टर्पेंटाइन ऑयल की, टर्पेंटाइन ऑयल, तो उसका होता है 1.46। सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल का भी इतना ही होता है, 1.46 के आसपास। तो यदि हम बात करें कि इन सब में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होगी, तो आंसर आएगा ग्लिसरीन। और सबसे ज्यादा किस में होगी, वो होगी एयर में, और एयर से भी ज्यादा वैक्यूम में। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लार्जर होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। और जो भी मैंने आपको आज फॉर्मूले बताए हैं, उसी बेस पर आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं। सपोज हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 589 नैनोमीटर। सपोज ये वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको गिवन है एयर में, और हमको पूछा जा रहा है कि गिलास में वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितनी होगी। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा नॉट और साथ में एनजी इक्वल टू 1.5, और हमसे पूछ रहे हैं कि लैम्डा जी बताइए कितना होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द ग्लास। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनजी इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा जी। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। सो लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन एनजी इक्वल टू 589 नैनोमीटर डिवाइड बाय एनजी 1.5। वी हैव टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर, तो 589 इंटू 10^-9 डिवाइड बाय 1.5। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।